नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 10 vs Realme Nazo 30A का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Infinix Hot 10 में 6.74 इंच जबकि Nazo 30A में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Infinix Hot 10 से कम है। विड्थ की बात करें तो Infinix Hot 10 में 3.06 इंच जबकि Nazo 30A में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Infinix Hot 10 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Infinix Hot 10 में 0.35 इंच जबकि Nazo 30A में 0.39 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Infinix Hot 10 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Infinix Hot 10 में 204 ग्राम्स जबकि Nazo 30A में 207 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Infinix Hot 10 में 20:5:9 जबकि Nazo 30A में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Infinix Hot 10 में 6.78 इंचेस जबकि Nazo 30A में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Infinix Hot 10 में 720x1640 और Nazo 30A में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Infinix Hot 10 में 82.34% जबकि Nazo 30A में 81.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Infinix Hot 10 में 264 पिक्सल प्रति इंच जबकि Nazo 30A में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Infinix Hot 10 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Nazo 30A की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Infinix Hot 10 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nazo 30A की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Infinix Hot 10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Nazo 30A में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Infinix Hot 10 में Mali G52 जबकि Nazo 30A में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Infinix Hot 10 में MediaTek Helio G70 और Nazo 30A में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Infinix Hot 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Nazo 30A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Infinix Hot 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Nazo 30A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी Infinix Hot 10 में 5200 mAh जबकि Nazo 30A में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Infinix Hot 10 में 4 कलर्स जबकि Nazo 30A में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Infinix Hot 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 0 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नाजो 30A की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,249 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 0 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स हॉट 10 में 2 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी नाजो 30A की तो उसमें 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में इन्फिनिक्स हॉट 10 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A12 है, दूसरा शाओमी पोको M2 प्रो है, तीसरा शाओमी रेडमी 9 प्राइम है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।